और ये नीरज सिंह सब अलग अलग बातें कह रहे हैं जो सीबीआई बता रही है। आकाशदीप जी, ये सवाल तो बहुत पहले दफन हो जाते हैं, जिसको बार बार आप लोग मीडिया ट्रायल जब स्क्रूटनी। मिस्टर श्रीवास्तव ठीक है, आकाशदीप जी ये तमाम बातें सामने आ रही हैं जिसमें सीबीआई ने ही ये कहा है, जानकारी दी है, सूत्रों से ही जानकारी सामने आती है। उन्होंने बताया कि अलग अलग बयान दे रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी कह रहे हैं कि मैं तो बार बार जाकर नॉक कर रहा था, नीरज सिंह कह रहे हैं सिर्फ एक बार नॉक किया था, फोन जरूर किया था। ये बताता है ना कि अर्जेंसी थी या नहीं थी। चाबी वाला आज तक पर आया, वो बता रहा है कि कोई अर्जेंसी नहीं थी, दरवाजा खोला तो पहले मुझे निकाल रहे हैं। अगर कोई कुछ घंटों से दरवाजे में बंद है, फोन नहीं उठा रहा, आप ताला तोड़वा रहे हैं, आपको अर्जेंसी नहीं रहेगी देखने की? कम से कम आप उसको हटा के जल्दी अंदर तो देखिएगा कि ही नीड्स हेल्प, उसको सहायता चाहिए, मदद चाहिए। अंजना, ये बातों पे गौर करना ज्यादा जरूरी है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी जो डिबेट पे बाकी स्पीकर्स बोल रहे थे, स्पेशली गणेश, मैं भट्ट साहब की उनकी एनालिसिस से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ना ही मैं इस बात से सहमत हूँ कि उसने बॉडी देखकर सॉरी बेबी क्यों कहा। दैट कुड बी जस्ट अ नॉर्मल एक्सप्रेशन, उस पर ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उससे बड़ा मुद्दा है कि कूपर में ये मेला कैसे लगा हुआ था, कोई भी जा सकता है, जबकि सुशांत के पेरेंट्स को साफ कह दिया गया था जब वो अराइव हुए कि आप कूपर ना आए, आप डायरेक्टली घर जाएं और घर के बाद शमशान आए। उनको खुद को नहीं आने दिया जा रहा कूपर, और कोई और शख्स जो राजस्थान से आया है वो रिया के लिए परमिशन लेके अंदर जाते हैं और उसे अलाउड किया जाता है। तो ये बातें ज्यादा जरूरी है। भट्ट साहब का असली नाम क्या है क्या नहीं है, दिस इज अ वेरी रॉन्ग मुद्दा टू टेक अप हियर। और बाकी मैं आपको और एक बात कहता हूँ, अरे सर मेरे हिसाब से रॉन्ग है यार, आपकी बात से नहीं सहमत हूँ। क्या कोई जरूरी है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ? देश की जनता, आप भी अगर बोलते हैं मुझे बोलने दीजिए ना, आपने ठेका थोड़ी रखा है डिबेट में। अंजना कैन आई स्पीक, क्या इस डिबेट में हमको तभी आना चाहिए जब हम गणेश की बात से सहमत हो? क्या ये तरीका नहीं, 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 आप सहमत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सहमत ना होइए। अरे बहुत अच्छी बात है कि फर्क नहीं पड़ता तो चुप रही है ना। ठीक है आकाशदीप जी बोल ले, फिर आप जब आपसे मैं जवाब लूंगी गणेश जी, मैं जवाब लूंगी जब मैं बोलना खत्म कर दूंगा, आपको टाइम मिलेगा। आप जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत रहे। अरे पर वो व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन भी है ना आकाशदीप जी, जिसमें महेश भट्ट को पूरी जानकारी थी कि क्या हो रहा है। 8 जून के बाद वो कह रहे थे डोंट लुक बैक, वो गाइड कर रहे थे। अंजना जी, व्हाट्सएप सप्लाई होती है रिया के थ्रू, रिया को ज्यादा पढ़ रहे साइलेंस। गणेश ये पैसे का मामला होता है, फिर ये आदमी अक्षर भट्ट उसको बोलता है निकल जाओ, क्या है ये पूरा का पूरा मसला? क्या है ये हम बता रहे ना, क्या है ये बोलने तो आकाशदीप जी ठीक है जवाब दे रहे हैं। गणेश जी प्लीज सुन लीजिए, अंजना जो व्हाट्सएप चैट से मैंने भी पढ़े, दोज आर स्टेप्स वे। देखिए अभी अगर रिया भट्ट साहब को अपना गुरु मानती है, मेंटोर मानती है, आकाशदीप जी आप तो वकील है सर, अब नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, अच्छा फिल्म के डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनिए। नहीं पर आकाशदीप जी आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं ना, क्योंकि आप अगर बिना फैक्ट्स की बात कीजिएगा। रिया ने पता है कोर्ट में क्या कहा है आकाशदीप जी? रिया ने कोर्ट में कहा है कि मुझे सुशांत ने कहा था घर से जाने को, अगर वो महेश भट्ट जी गाइड कर रहे थे, आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा फ्लो है? नहीं 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 कहा, बिल्कुल बिल्कुल जो कहा अंजना यही पॉइंट है, ये करेक्ट है, और यही बात मैं तब से बोलने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो तो सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं अलग चीज है, उससे साफ पता चलता है कि महेश भट्ट जी उसको कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे थे वो घर छोड़ने के लिए, और रिया जो है उनसे बात कर रही थी, और फाइनली उसने महेश भट्ट जी की बात, मिस्टर महेश भट्ट की बात सुनके सुशांत घर छोड़ा, तो महेश भट्ट ने पूरी प्लॉटिंग करी है, उसके तहत ही रिया ने वो घर छोड़ा। अगर ये सच था और रिया इतनी सच्ची थी तो उसने डे वन से ये बात क्यों नहीं बोली, उसने कोर्ट में ये बात क्यों नहीं बोली, सच क्यों नहीं बोला कि मैं परेशान थी, मेरे मेंटर मेरे पिता के समान मेरे प्यारे बुड्ढे ने जिनका नाम महेश भट्ट जी, उन्होंने मुझे उनका सुशांत का घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके सहारे से मैं सुशांत को छोड़ करके निकल गई। आप सवाल भी कीजिए, जवाब सवाल मुझ पे उठा, सवाल आप सुशांत टू लीव